रायगढ़ नगर पालिका निगम में आज वित्तीय वर्ष 2024-25 का सालाना बजट पेश किया गया। इसमें 15 करोड़ 19 लाख रुपए का फायदा बताया गया है। महापौर जानकी काटजू ने सामान्य सभा की बैठक में यह बजट पेश किया। महापौर का कहना है कि शहर के विकास और अन्य योजनाओं के लिए लगभग 454 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। बजट में शहर के विकास सहित खेल और नालंदा लाइब्रेरी का प्रस्ताव रखा गया है। क्योंकि 454 लाख की बजट पेश की गई है, जो कि फायदे की बजट है, जो कि शहर ही शहर विकास के लिए की गई है और जो कि बहुत सारी योजना भी है शहर के लिए और जो कि दीन दयाल है खेलों के लिए है, जो कि बच्चों के लिए नालंदा लाइब्रेरी का भी रखा गया है, रिंग रोड का भी रखा गया है, जो कि बहुत ही अच्छा बजट है, जो कि पेश की गई है और फायदे की बजट है। शहर ही पुल है, पुल पुलिया निर्माण है, बहुत सारी योजना है उसको पेश की। वही नेता प्रतिपक्ष पूनम सोलंकी ने आरोप लगाया कि नगर निगम के बजट में नया कुछ भी नहीं है। पिछले साल के बजट को पूरी तरह से कॉपी पेस्ट कर दिया गया है और जनता को कोई नई सौगात नहीं मिली है। नगर निगम सरकार पेश करके आती है जो सिर्फ कागजों तक ही सीमित है, निराशा को नहीं रहता, जनहित के मामले उसमें से मुद्दे छूट जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही ये बजट भी पिछला बजट का ही कॉपी पेस्ट। पिछले 4 साल में ये सरकार ने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया है जो वो अपनी प्रगति के रूप में दर्ज करा सके। बचा है मुश्किल से 6-7 महीने बचे हैं, 1 साल के लिए क्या कर रहे हैं, तो जैसा हमने सोचा था वैसे ही इस बजट में भी कुछ भी नया नहीं। भाजपा के पार्षदों ने बड़े उद्योगों को विभिन्न करों से मुक्त करने का विरोध करते हुए निगम में CSR मद से उद्योगों को जोड़ने का भी आग्रह किया है।